स्कूल के दिन याद आए, आपकी आंखों में मैं कुछ सपने देख रही हूँ, है ना? कुछ सपने, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, दुनिया को मुट्ठी में लाना है, आकाश की ऊंचाई को छूना है, करना है ना, बनना है ना कुछ, इसलिए आ रहे हो ना स्कूल में? कैसे आ रहे हैं? कुछ बनना है ना, कुछ बनने के लिए, अपना जीवन ऊंचा बनाने के लिए क्या करना होता है? पढ़ाई हो और क्या करेंगे? पढ़ाई के साथ क्या क्या चाहिए? पढ़ाई के साथ अनेक बातों की हमें जरूरी रहती है। फिजिकली हमें हेल्दी रहना होता है, मन को शांत रखना होता है, अनेक नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करना होता है और नशा से मुक्त रहना होता है। क्योंकि देखो, डॉक्टर तो अनेक बनते हैं, इंजीनियर तो अनेक बनते हैं। अगर इंजीनियर अच्छे बन जाते थे, इंजीनियर के साथ अच्छे इंसान बन जाते थे, तो ब्रिज गिरते नहीं थे ना। डॉक्टर तो अनेक बनते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान उनके साथ बन जाते थे। तो आज जो अनेक हम देखते हैं, जो स्कैंडल सुनते हैं, कुछ ऑर्गन की चोरी होती है, वो नहीं होता था। वकील तो अनेक बनते हैं, लेकिन अगर उसके साथ अच्छा इंसान बनते थे तो गुनहगारों को तो छुड़ाते थे, न्याय के लिए अच्छी तरह से काम करते थे। तो हमें शिक्षा के साथ वैल्यूज को भी हमके जीवन में अपनाना है। लेकिन ये आपका जो एज है ना, उस एज में हम किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, बराबर है ना? बराबर है ना? हमें ऐसे लगता है कि हम तो बड़े बन गए हैं, हम अपनी सोच सकते हैं। कोई पेरेंट्स या टीचर हमें कुछ कहते तो हमको क्या लगता है? उपदेश कर दे, बराबर है ना? है ना? तो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक समुंदर था, उसमें जहाज जा रहा था, उस जहाज पर मिसाइल्स लॉन्च थे। पता है ना मिसाइल्स क्या होता है? तो जहाज जा रहा था तो उसको सामने से एक मैसेज मिला कि आपका जहाज राइट साइड से 100 मीटर दूरी से चला। जैसे आपको कोई कुछ कहता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, गुस्सा आता है ना? तो उस जहाज को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं मेरा मार्ग नहीं छोड़ने वाला हूँ, आपको चेंज करना है तो आप चेंज करो, मैं यही से चलूंगा। सामने से वापस रिक्वेस्ट आई, प्लीज 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 आप अपना मार्ग चेंज कर दो। जैसे आपको कोई बार बार कहता है तो आपको और गुस्सा बढ़ता जाता है ना, है ना? तो ऐसे उस जहाज को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तो एक लड़ाऊ जहाज हूँ और मेरे ऊपर इतने मिसाइल्स है, सेकंड में तुमको उड़ा दूंगा। सामने से बहुत सुंदर आंसर आया, रिप्लाई मिला। क्या आप सोच सकते हो क्या रिप्लाई आया होगा? आप कैसे कोई सोच सकते हैं? नहीं, सामने से रिप्लाई आया कि मैं आपका नम्र दीपस्तंभ हूं। दीपस्तंभ जानते हो क्या होता है? लाइट हाउस होता है, समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस होता है जो जहाज को बताता है कि यहाँ आपके लिए खतरा है। वो उसको मार्ग दिखाता है जहाँ पर खतरा नहीं होता है। तो उसने कहा कि मैं आपका नम्र लाइट हाउस हूँ, जिस मार्ग से आप जा रहे हो उसमें बड़े बड़े चट्टान हैं, अगर आप अपना मार्ग चेंज नहीं करोगे तो टकराओगे और चकनाचूर हो जाओगे। तो हमारे पेरेंट्स
हमारे टीचर्स भी हमारे लिए लाइट हाउस होते हैं। यदि साइंटिफिकली देखा जाए, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पूरा दिन काम करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो हम ईश्वर को क्यों याद करते हैं, उसका क्यों हम ध्यान करते हैं? क्योंकि वो सुपर पावर है, सुप्रीम पावर को जब हम याद करते हैं, और जैसे कि अभी जो डॉक्टर मैम उन्होंने बताया कि हमारी एनर्जी कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जैसे ओम का उच्चारण भी करते हैं आप कभी, तो ओम का जब उच्चारण करते हैं तो ओम जब आप खींचते हो म, जब म आता है तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होती है, ओम जब यहाँ से बोलते हो तो यहाँ से एनर्जी खींचते हुए कहाँ चली जाती है, ब्रेन की साइड जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का एनर्जी का सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर डिवाइड है। और जब हम उस सुप्रीम पावर को याद करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे पर, हमारे अंदर, जैसे कि बताया गया कि 7 गुण हमारे गुण होते हैं, आज उसी के कारण ही, उसकी कमी के कारण ही आज हमको तनाव होता है। तो जब हम ये विजुलाइज करते हैं कि सुप्रीम पावर की ऊर्जा मेरे अंदर समा रही है मॉर्निंग में, तो पूरा दिन आप चार्ज रहते हो, पूरा दिन आपकी बैटरी चलती रहती है। जैसे मोबाइल को मॉर्निंग में अक्सर चार्ज करते हैं, अक्सर मोबाइल को कब चार्ज करते हैं? मॉर्निंग के वक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा दिन आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, दिन में टाइम नहीं होता है कि आप मोबाइल को चार्ज कर पाए, तो इसलिए आप मॉर्निंग में ही उसको चार्ज करते हैं। इसी तरीके से ये शरीर भी क्या है हमारा? मोबाइल की तरह है, और उसकी बैटरी कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर उसको चार्जिंग नहीं देंगे, डिस्चार्ज होता रहेगा, तो एक दिन क्या होगा? काम कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए मॉर्निंग में हम उस सुप्रीम सत्ता का, उस ईश्वर का, उस डोर का, हम इसीलिए ही उसको याद करते हैं ताकि पूरा दिन एनर्जी क्या रहे, हमारी मेंटेन रहे। और न केवल इस टाइम पर कि मॉर्निंग के वक्त तो सबसे अच्छा कहा गया है, लेकिन साथ साथ जब अपनी पढ़ाई करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रही है, एग्जाम का टाइम आ रहा है और आपको डर लग रहा है कि हाय मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपल सा यही करो जैसे अभी आपने ये किया है कि हे ईश्वर, मैं आपका बच्चा हूँ और मेरी कंसंट्रेशन पावर इस समय वीक हो रही है, मेरी कॉन्फिडेंस पावर मुझे लूज लग रही है, डिटर्मिनेशन पावर, दृढ़ता की शक्ति मुझ पे कम लग रही है, तो कृपया आप तो हर चीज के सोर्स हो, ये सारी पावर्स मेरे में आप भरते जाएंगे। 2 मिनट जैसे अभी आपने प्रेयर की, 2 मिनट सिर्फ एकाग्रता के साथ आपको बैठना है और एक विजन बनाना है कि उसकी जो लाइट है मेरे अंदर आ रही है, कॉन्फिडेंस की पावर, डिटर्मिनेशन की पावर, सहन शक्ति, पेशेंस की पावर, ये सारी मेरे अंदर आती जा रही है। दूसरी चीज ये देखिए।